तो हे गाइस, वेलकम टू मोधुस वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी एक आई मार्क्स लेना है। बहुत सीड मार्क्स वगैरह मैंने यूज़ कर लिया, बस आई मार्क्स लेना है। बहुत ढूंढा, रिसर्च किया, बहुत महंगा महंगा 500, 600, 700, 800 ऐसा कुछ प्राइस में था। बंगाली टोन तो आ ही जाती है, आपको पता है, छोड़ो वो बात। उसके बाद मुझे मिला ये स्विस ब्यूटी का ये हाइड्रा आई सीरम पैच, जो हर जगह आउट ऑफ स्टॉक थी। बस एक स्मिथन में ही अवेलेबल थी, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक। तब नहीं मुझे लगा इतना फेमस प्रोडक्ट है, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक, तब मैंने ये ले लिया। ये लिखा हुआ है स्विस ब्यूटी हाइड्रा आई सीरम पैच। इसकी अंदर जब ओपन करेंगे ऐसा कुछ मिलेगा, ये देखो। हो सके तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ऐड कर दूंगी। सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग देख लेती हूँ। तो ऊपर से कोई कार्डबोर्ड बॉक्स है, 60 पीस है ये। मुझे लग रहा था 30 है, नहीं 60 पीस है, मतलब 30 टाइम यूज़ होगी ये 60 पीस। इस तरह टू टू यूज़ होती है ना, इसलिए। तो देख सकते हैं पैकेजिंग वगैरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आपकी फेस वॉश करके अप्लाई कीजिए, 15 से 20 मिनट रखिए, उसके बाद 3-2 टाइम्स आप वीक में यूज़ कर सकते हैं। और आप जब भी ये मास्क रखे 15-20 मिनट के, जब हटा रही हो 1-2 मिनट के लिए हल्का सा स्लाइड सा मसाज कर लेना अंडर आई, तो आपको ज़्यादा रिलैक्स और अच्छी रिजल्ट मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर चुकी हूँ, डब्बा ऊपर से भरा हुआ था, कम हो गई है। तो ऊपर से ऐसे आप निकालो, उसके ऊपर आपके ऊपर अप्लाई करो। इसकी जो माइनस पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, मैं हर एक वीडियो में ऑनेस्ट बोलती हूँ, इसीलिए बता दे रही हूँ पहले से। जब आप खड़े होकर इसको चिपकाएंगे ना तो इतना ये नीचे आ जाती है, इसलिए मैं सो के अप्लाई करूँगी। इसका जो जेल है ना बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो इसलिए मैं सो चुकी हूँ, डिब्बा साइड में रखा है। और ये जो 60 पीस है वो तो मैं बता चुकी हूँ, साइड में दिख रहा हो आपको 60 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने वीडियो में 30 बोला था इसलिए बार बार ऐड करी हूँ। उसके बाद मैं ऐसे आँखों के ऊपर अप्लाई करी हूँ। इसका जो राउंड वाला पोर्शन है वो आँखों की बाहर में रहती है और कॉर्नर वाला आँखों की कॉर्नर में जाती है। डिब्बा के ऊपर फोटो है, आप कैसे आँखों में चिपका सकते हैं। उसके बाद मैं इसको आँखों में सेट कर रही हूँ, वीडियो देख के, मतलब मोबाइल देख के ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि मोबाइल और आईना एक साथ तो नहीं हैंडल हो सकता। उसके बाद 15 से 20 मिनट रखूँगी। 15 से 20 मिनट हो चुकी है मैं आँखों की ऊपर से हटा के। ये जो फिंगर होते हैं ना, आप देख सकते हैं कौन सा फिंगर है, मिडिल फिंगर की साइड वाला फिंगर, उससे मैं प्रेस कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ये जेल फेस के ऊपर ज़्यादा तो नहीं है, अभी थोड़ी बहुत ही है। आँखों से प्रेस करके फेस को एक मतलब आई को रिलैक्स दे रही हूँ। जब मसाज करते हैं ना आई रिलैक्स होती है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। मसाज करने से प्रोडक्ट अच्छे से आई के ऊपर ऑब्जर्व हो जाती है। याद नहीं, ये 299 है, मुझे मिला है 230 में, ऐसा कुछ प्राइस में मिला है। ये कितना पीस है अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, ये शायद 30 पीस ऐसा कुछ होगा। इसके ऊपर और एक ढक्कन मतलब था, वो मुझे फिलहाल नहीं मिल रही है। मैं हो सके तो एंड में ही कहीं ऐड कर दूँगी। ये मैं जब आईज़ के ऊपर लगाते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम बताती हूँ सबसे पहले। ये जो एक जेल में डिप है ना आई पैच, वो जब लगाती हो ना ऐसे चिपका देती हो नीचे, ऐसे ऐसे नीचे आ जाती है, ऐसे चिपका देती हो ऐसे ऐसे नीचे आ जाती है। तब क्या करना पड़ता है मुझे, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जब प्रिपेयर हो जाती हूँ फेस में चिपका के ही, मतलब आई के नीचे चिपका के सो जाती हूँ, तो एक जगह स्टिक रहती है। और ये आपको ये 15 से 20 मिनट रखना है, उसके बाद आप निकाल लीजिए। थोड़ा आपको ना फील होगी, हाँ आपकी आई थोड़ी अच्छी दिख रही है, हाइड्रेट दिख रही है, ऐसा फील होगी, अच्छा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।